भैया गोरखपुर धरती पर स्वागत है। और आज ये फिल्म चोरी चोरा क्षेत्र में चल रहा है और निर्धन जिस पिक्चर का नाम है आपका, तो जितने भी फिल्में मैंने टाइटल देखते हैं, कहीं इतिहास है तो कहीं जो आपने समाज का परिवर्तन ऐसे लेकर फिल्में आपका जो है साइन भी ज़्यादा आपकी यही फिल्में हो रही है, तो क्या लगता है कि आपके लुक पर एकदम देसी लुक जिस तरह है उसी तरह सिनेमा भी आपके आने वाले हैं? सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा प्रणाम है। और हम लोग गोरखपुर में और चौरी चौरा में शूट कर रहे हैं फिल्म निर्धन, और बहुत ही अच्छा टाइटल है। एक दो परिवारों की कहानी है और टाइटल है निर्धन, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग हैं। मणि भट्टाचार्य जी हैं, उमेश सिंह जी हैं, सीपी भट्ट जी हैं, रत्नेश बर्नवाल जी हैं, रितु पांडे जी हैं, तो तमाम अच्छे अच्छे कलाकार हैं और एक बेहतरीन फिल्म आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब बात करें स्टोरी की, क्या कुछ खास है निर्धन? अब टाइटल निर्धन है तो निर्धन मतलब क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार और एक अमीर परिवार की ये कहानी है, तो आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। मणि भट्टाचार्य जी के साथ पहली बार आप इसमें सिनेमा कर रहे हैं, कितना कोऑपरेटिव आपके साथ नज़र आ रहा है? बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इस फिल्म में भी वो अपने दमदारी से काम कर रही हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं एक बेहतरीन एक्टर के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। सभी लोग मजे हुए हैं और हमको भी सपोर्ट मिल रहा है सबका, और डायरेक्शन टीम हो या टेक्नीशियन टीम, सब लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। और एक अच्छी फिल्म गांव से रिलेटेड, जो कि मिट्टी से रिलेटेड फिल्म है, तो लोगों को देखने में आनंद आएगा। काफ़ी फिल्में अभी शूट हो चुकी है भैया, को अभी तक तो कोई कभी तारीख आई थी, लोगों को ज़्यादा पसंद आई होगी जो है उस तरह की फिल्में, और कौन कौन सी फिल्में अभी आने वाली हैं? अभी देखिए तारीख का ट्रेलर आया है, अभी फाइटर किंग का भी आने वाला है ट्रेलर, और उसके बाद इतिहास है, प्यार के परवाने हैं, और टसन, अभी हमने टसन करके आए वहाँ से, क्या बोलते हैं, गुजरात से, तो तमाम फिल्में लाइन में हैं और आने वाले हैं सबके ट्रेलर। और टसन में कुछ अलग चीज़ दिखेगी क्या? टाइटल जो है टसन में एक अलग कहानी है और काफ़ी फाइट है उसमें, तो वो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं, उनकी कितना स्टोरी को लेकर और काफ़ी डायरेक्शन के लोगों के साथ में आपने काम किया, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके साथ में कितना कॉम्बिनेशन दिख रहा है काम कराने का? नहीं, शेखर जी अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर साहब भी फुल सपोर्ट में हैं, तो एक बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और इन लोगों का काम करने का नज़रिया भी अच्छा है कि नहीं, जो चीज़ प्रॉपर चाहिए वो चीज़ मिल रही है, वहाँ वो लोकेशन मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो टेक्नीशियन टीम को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही कि नहीं हमको ये चाहिए नहीं मिल रहा है, नहीं तो मिल भी रहा है और अच्छे पैमाने पर शूट हो रहा है। दर्शकों के लिए क्या चाहिए? बस जैसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए हैं ऐसे ही बनाए।